हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और हम लोग जा रहे हैं गांव, और ये देखिए गांव जाने के लिए तैयारी भी पूरी हो गई है। और अब मैं सीधा गांव जाके फिर ब्लॉग बनाऊंगी, और वहां का जो भी वीडियो रहेगा वो रियल ही रहेगा, कोई वॉइस ओवर नहीं होगा। और गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, और ये देखिए हम पूरी तरह से पैक हो चुके हैं जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, फिर वहाँ पहुँच के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। रास्ते में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाइक से। तो हम लोग गांव पहुँच चुके हैं। आते आते नानी सफाई में लग गई है, देखो। नहीं, तुम आते आते वीडियो में लग गई। आते आते नहीं, खाना पीना सब हो चुका है 2 घंटे से। देखो आते आते झाड़ू बर्तन। बर्तन बेचने वाली है। कौन छोड़ के चली गई? अच्छा, डाल दूंगी यूट्यूब पर कि देखो सारी, मोबाइल पर भी सबको यूट्यूब देखने में लगा हुआ है। परी परी क्या कर रही हो? सफाई कर रहा छो को रिकॉर्डिंग कर रहा छो? भूख ना लागल हो? आज कौन सा दिन? शुक्रवार। और कितना हरा भरा है। तो यही होता है गांव का सुख। अब बड़ी नानी को भी दिखा दो कि मेरी नानी हो गई। हाय अबनी, देखो हम लोग कहाँ आए हैं। बापू सोना खा के चला ले। बापू सोना हुआ ना, तो सब जता जता। चल बेटा, देखिए गाइस हमारे यहाँ नल जल योजना से पानी आता है नल में, लेकिन नल गलत जगह पे लगा हुआ है, अंदर में होना चाहिए था। बाप रे, बहुत भारी। अकेले मत उठाना, पता चला कि फिसल की जगह भी ठीक नहीं है। मैं जा रही हूँ अब कपड़ा धोने। अच्छा, ये पानी पीने वाला भी है? कहाँ पे बोतल? पड़ी नानी को बोतल दे दो पानी का। कहाँ है स्टूल पे बोतल? अच्छा, बिस्लेरी वाला। हम्म,
अच्छा ये पानी पीने वाला भी है। नल जल योजना का पानी है। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, गई ना। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। और हम लोग तो मॉर्निंग में ही आ गए थे और आने के बाद मैंने नहाया भी था, लेकिन कपड़े मैं नहीं धोई थी क्योंकि उस समय नल में पानी नहीं आ रहा था। वैसे हैंडपम्प में तो पानी था लेकिन मैंने चलाया नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। और पड़ी भी नहाई थी तो मैंने पड़ी का कपड़ा उसी टाइम में धो दिया था, तो वो सब सूख गए हैं। तो इसके बाद अब मैं आप लोगों को ले कर चलूँगी बाहर आम दिखाने। तो ये देखिए, और मैंने जो लोअर पहना हुआ है वो अलग का है, मतलब इसका नहीं है, इस कुर्ती का नहीं है। और ये देखिए, ये आम ना बहुत टेस्टी है, गुलाब खास आम है। ये देखिए, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ के। तो जब तक भी रहना होगा मैं आप लोगों से यहाँ का ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। तो बहुत सारा ब्लॉग आपको मिलने वाला है गांव का। और सच में यहाँ पर ना ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप लोगों को भी जाना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आम हैं और लीची भी है, ये देखिए, पर अभी कच्चे हैं। इधर भी है लीची, और लीची का क्वालिटी बहुत अच्छा है। प्रणाम, आशीर्वाद दियो। अहीं के इंतजार करते रहिए चाय पिए ला अहाँ के हाथ के। चाय ना पिए भाई।
अभी हमने दूध का चाय पिया है और मेरे हस्बैंड को पीना है लेमन टी, तो इसके बाद मैं लेमन टी बनाने जाऊंगी और फिर ब्लॉग को भी एंड कर दूंगी। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब मैं बनाने जा रही हूँ लेमन टी। नींबू का चाय थोड़ा सा मीठा होता है, चीनी थोड़ा ज़्यादा डालूंगी।